यत बादल उठ्या हेरी सखी और बादल उठ्या हेरी सखी बादल उठ्या हेरी सखी पानी पर से गाजी तोड़ मेरा ससरे कियो बादल उठ्या हेरी सखी बादल उठ्या हेरी सखी पानी पर से गाजी तोड़ मेरे ससरे कियो बादल उठ्या हेरी सखी आइए पहली कली में के बताया जरा सुनेगा गौर से जिसने दुनिया जिसने दुनिया कहे कत्ल की वाह पहली पहली रात थी ऊंचे से चौबारे में हुई साजन ते मुलाकात थी वही था महीना है बीबी उस दिन भी बरसात थी इंदर ने भी चाह बरसन की और धरती ने भी प्यास थी इंदर ने भी चाह बरसन की धरती ने भी प्यास थी इसा पुल टूटा हेरी सखी इसा पुल टूटा हेरी सखी बहके नदी नाले जोहड़ मेरा ओ सास रे कियो बादल उठ्या हेरी सखी बादल उठ्या हेरी सखी ओ मेरे सास रे कियो पानी परसे काच तोड़ बादल उठ्या हेरी सखी कैसी बूंदे पड़ रही क्या मंजर बनता है कैसा माहौल छाया हुआ था दूसरी बात में के लिखा सुनेगा और कहने लगी भाई हमारी माताएं बहनें हमारे बीच में आ रही हैं क्योंकि जब तक ये प्रोग्राम में ना हो तो हमारा भी मन नहीं लगता है इनके लिए भी एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए जितने भी बैठे हो बहुत बहुत धन्यवाद सुनेगा दूसरी बात में के लिखा के बताया यत मोटी 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 बूंद पट्टा पट मोटी मोटी बूंद पट्टा पट बरसन लागे ओले से पानी के बहा के आगे बहगे ना के डोले से पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण हवा के झकोड़े से जंगला के
भाई जंगला के, भाई जंगला के किवाड़ मुंदरे जो खुल गए ओले सोले से, जंगला के किवाड़ मुंदरे खुल गए ओले सोले से, भाई इसा रंग लूटिया हेरी सखी, इसा रंग लूटिया हेरी सखी, मेरे लाड करे बेजोड़ मेरे सास रे कियो के अंदर ऐसी ऐसी बातें भी परोई हैं और लिखा है क्या, लाख टके का हेमा मेरी बीजनारी, लाख टके का हेमा मेरी बीजनारी, लाख टके का हेमा मेरी बीजनारी, लाख टके का हेमा कि वो दिन ऐसा है कि आज तक भूली नहीं हूँ और भूल भी नहीं सकती, कैसे क्या हुआ सुनेगा तीसरी बात में के लिखा देखे वो दिन तो बस वो दिन तो बस वो ही से मने आज तलक भी याद से, याद याद में मर लूंगी उस दुख की भी के म्याद से, बदल गया जमाना है बेबे दुनिया भी आबाद से, जोड़ी बिना जीव की ते ए जिंदगानी बर्बाद से, जोड़ी बिना जीव की ते जिंदगानी बर्बाद से, यत अमरत घूटा हेरी सखी, अमरत घूटा हेरी सखी, दिए पत्ते से निचोड़ मेरे सांस रे करती थी, वो 52 गज का दामन जो कि 52 गज का घाघरा जिसके अंदर बहुत वजन हुआ करता था, ऐसे ऐसे घूम घाघरा पहना करती थी दादी जी, लेकिन आजकल की छोरी छापरी देख लो उनमें कुली 52 किलो वजन पावे हैं। और अगर हमारी माताएं बहने जब ऐसा धोबी नहीं हुआ जो कि उस घाघरे को धो सके, और अगर धोबी देता तो उस पे प्रेस नहीं होती थी,
क्योंकि घाघरा ही इतना बड़ा था और लिखा सुखाने की जगह मिल जाती थी। सुखाने की तो बाद में जब प्रेस ही ना हो तो कितना सूखेगा वो, मिल जाएगा रही सुखाने की जगह भी मिल जाएगा रही। अच्छा खोर में हाँ। तो कहीं भी लिटा था वहीं सूख जाएगा। और लिखा क्या, किस्सा घूम घाघरा घूम घाघरा हे माँ मेरी घाघरारी घूम घुमलता हे माँ मेरी घाघरारी घूम घुमलता हे माँ मेरी घाघरारी घूम घुमलता हे माँ मेरी घाघरारी। हेरी पड़े घूंघट की फटका हे माँ मेरी लाख मेरी लाख टके का हे माँ मेरी बाज डाली निचोड़ कर दिया। कहा क्या कि जब इंसान इस कलयुग के अंदर आया है, कोई भी इस धरती पे जीव हो जंतु हो कोई भी मनुष्य हो, कितने कितने ऋषि मुनि हुए लेकिन अमर कोई भी नहीं रहा। क्या गया उनके साथ और क्या नहीं गया, कैसे आए और कैसे गए, सुनिया के बताया। कहे दया चंद कहे दया चंद गैल मनुष के मापन ने एक फीता जैसे कोती पुस्तक वेद शास्त्र गैल मनुष के गीता जैसे काल के ना काल के ना काल के ना टाड़ बेबे काल ते के जीता जैसे मरती बरिया मरती बरिया मरती बरिया आदमी बस दोनों हाथों जैसे मरती बरिया आदमी दोनों हाथों रीता जैसे यत झगड़ा झूठा हेरी सखी झगड़ा झूठा हेरी सखी एक दिन छोड़ जागी घोड़ में